हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेस्टी लाइफ। आज हम बनाएंगे मैंगो आइसक्रीम, बिल्कुल बाजार जैसी, वो भी घर पर। जो भी इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज किए हैं वो घर पर आसानी से मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं आइसक्रीम कितनी सॉफ्ट और क्रीमी लग रही है। मैंने इसे बिना कंडेंस्ड मिल्क, बिना हैवी क्रीम, बिना व्हिपिंग मशीन यूज किए बनाया है। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी मैंगो आइसक्रीम। यहाँ मैंने लिया है आधा लीटर फुल फैट मिल्क, कच्चा या बॉईल किया हुआ कैसा भी ले सकते हैं। एक कप आम, इसको मैंने काट लिया है। आधी कप घर की मलाई, अगर आपके पास घर पे मलाई नहीं है तो जो टेट्रा पैक में अमूल की फ्रेश मलाई मिलती है आप वो भी यूज कर सकते हैं। अगर आप घर की मलाई यूज कर रहे हैं तो एक या दो दिन से ज्यादा पुरानी ना यूज करें। यहाँ मैंने लिया है आधा कप मिल्क पाउडर और यहाँ मैंने लिया है एक तिहाई कप यानी 1/3 कप ऑफ चीनी और एक टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। गैस ऑन करकर मैंने पैन चढ़ा दिया है और जो आधा लीटर फुल फैट दूध लिया था वो हम इसमें डाल देंगे। पर इसमें से मैंने यहाँ पर आधा कप दूध निकाल लिया है और बाकी बचा हुआ सारा दूध हम पैन में डाल देंगे। गैस का फ्लेम आप यहाँ पर लो रखें और इस दूध को अच्छे से चलाते हुए हमें बॉईल करना है। जब तक ये दूध बॉईल हो रहा है, जो हमने आधा कप दूध इसमें से निकाला था उसमें हम कॉर्नफ्लावर और मिल्क पाउडर का घोल बना लेते हैं। तो ये आधा कप से मैंने थोड़ा सा दूध इसमें डाल दिया है। अब इसमें डाल देंगे हम कॉर्नफ्लावर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसमें डाल देंगे हम मिल्क पाउडर। पहले मिल्क पाउडर को आप थोड़े से ही दूध में घोलें ताकि ये अच्छे से पेस्ट बन जाए। अगर ज्यादा दूध में घोलेंगे तो इसमें गुठलियां पड़ जाएंगी। ये देखिए अब एक स्मूथ सा पेस्ट बन गया है और अब इसमें बाकी बचा हुआ दूध भी डाल दें, मिला लें इसे एक बार और ये हमारा कॉर्नफ्लावर और मिल्क पाउडर का घोल तैयार हो गया है। इसे हम बाद में यूज करेंगे, अभी हम इसे साइड में रख देते हैं। ये देखिए दूध अच्छे से गर्म हो गया है और ये बॉयल होना शुरू हो गया है। हमें इस दूध को थोड़ा सा गाढ़ा करना है। आप इस तरीके से साइड से चलाते हुए आप इसे अच्छे से मिक्स करते रहें। दूध में उबाला आ गया है और अब हम इसमें डाल देंगे एक तिहाई कप चीनी जो हमने ली थी। मिला लें इसे अच्छे से। लगातार चलाते हुए एक तिहाई भाग तक जितना दूध रिड्यूस हो जाए हम इसे तब तक उबालेंगे। गैस का फ्लेम आप मीडियम कर दें और दूध को लगातार चलाते हुए उबालें। दूध को उबलते हुए करीब 15 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि दूध एक तिहाई तक रिड्यूस हो गया है। और अब हमने जो मिल्क पाउडर और कॉर्नफ्लावर का घोल बनाया था वो हम इसमें धीरे धीरे करके डाल देंगे और एक हाथ से हम इसे लगातार चलाते जाएंगे। गैस का फ्लेम आप इस टाइम पे लो रखें। ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है और अब हम इसे थोड़ा गाढ़ा होने तक पकाएंगे। आप इसे लगातार चलाते रहें। मुझे करीब 7 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि ये दूध अच्छे से गाढ़ा हो गया है। हमें यही कंसिस्टेंसी चाहिए, ना बहुत ज्यादा पतला और ना बहुत ज्यादा गाढ़ा। हम इसे चेक भी कर सकते हैं। एक हम चम्मच लें और इसमें डिप करें और इसके पीछे हम एक ऐसे लाइन बनाएंगे तो वो बिल्कुल अलग सी रहेगी, वो मिक्स नहीं होगी। इसका मतलब ये हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। गैस का फ्लेम अब आप बंद कर दें और इसे पूरी तरीके से ठंडा होने दें। जैसे जैसे ये ठंडा होगा वैसे और गाढ़ा हो जाएगा। जब तक ये थोड़ा ठंडा हो रहा है, आइए जो आम हमने लिए थे उसकी हम प्यूरी बना लेते हैं। ये जो आम मैंने लिए हैं ये बहुत ज्यादा मीठे नहीं हैं, इसीलिए इनकी मिठास को बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 छोटी चम्मच चीनी डाली है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर आपने जो आम यूज किए हैं वो मीठे हैं तो यहाँ पर आप चीनी स्किप कर दें, ना डालें। इनको हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे और इनकी एक फाइन प्यूरी बना लेंगे इस तरीके से। जो दूध हमने गाढ़ा किया था वो भी अच्छे से ठंडा हो गया है और इसे हम जार में डाल देंगे और एक बार इन दोनों को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए ब्लेंड करने के बाद ये कुछ ऐसा लग रहा है। यहाँ पर आप चाहें तो थोड़ा सा फूड कलर डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर येलो फूड कलर डाला है। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आपके पास है तो आप डालें, नहीं तो इसे स्किप कर दें। एक बार और हम इसे ब्लेंड कर लेंगे और ब्लेंड करने के बाद आप डिफरेंस देख सकते हैं इसके कलर में। और अब हम लास्ट में डालेंगे आधी कप मलाई। मैंने यहाँ पे घर की मलाई यूज करी है, आप चाहें तो बाजार वाली मलाई भी यूज कर सकते हैं। अगर आप घर की मलाई यूज कर रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखें कि ये मलाई एक या दो दिन से ज्यादा पुरानी ना हो, नहीं तो ये आइसक्रीम में टेस्ट अच्छा नहीं देगी।
और मलाई को बिल्कुल ठंडी ही यूज करें। इस पूरे प्रोसेस के दौरान आप मलाई फ्रिज में रखें और लास्ट में जब इस जार में डालना हो आप फ्रिज से निकाल के डालें। अब हम इसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे, पर बहुत ज्यादा ना ब्लेंड करें नहीं तो ये मलाई मक्खन बन जाएगी। ये देखिए, रोक रोक के आप करीब 10 सेकंड के लिए इसे 2 या 3 बार घुमा दें। आप देख सकते हैं कि ये मिक्सचर अच्छे से ब्लेंड हो गया है और अब हम इसे एक एयर टाइट कंटेनर में डाल देंगे। आइसक्रीम में कोई भी आइस क्रिस्टल्स ना जमे इसके लिए मैं इसे एक एल्यूमिनियम फॉइल से कवर कर दूंगी। अगर आपके पास एल्यूमिनियम फॉइल नहीं है तो आप कोई भी साफ प्लास्टिक से इसे कवर कर सकते हैं। और अब इसे ढक्कन लगा के बंद कर देंगे और इसे रेफ्रिजरेट करेंगे हम कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए, ताकि ये थोड़ी सेमी सेट हो जाए। ये देखिए, 3 घंटे हो गए हैं और आइसक्रीम थोड़ी सी सेट हो गई है। इसे एक बार और हम जार में डालकर ब्लेंड कर देंगे। इससे क्या होगा, आइसक्रीम में अच्छे से हवा भर जाएगी और ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट बनेगी। ये देखिए, मैंने इसे ब्लेंड कर दिया है। आप देख सकते हैं कि ये मिक्सचर कितना ज्यादा सॉफ्ट लग रहा है। हम इसे सेम कंटेनर में डाल देंगे और आप चम्मच से इसे थोड़ा सा स्मूथ कर दीजिए और इसे हम फिर से कवर कर देंगे एल्यूमिनियम फॉइल से। इसका ढक्कन लगा दें, इसे बंद कर दें और इसे हम फ्रीजर में रखेंगे ओवरनाइट, नहीं तो कम से कम 8 से 9 घंटे के लिए। मैंने इसे पूरी रात फ्रीजर में रखा था और आइए अब इसे हम देख लेते हैं कि कितने अच्छे से सेट हुई है। आप देख सकते हैं कि आइसक्रीम अच्छे से जम गई है और इसमें कोई भी आइस क्रिस्टल्स नहीं जमे हैं। तो चलिए अब हम इसे स्कूप आउट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं आइसक्रीम का टेक्सचर, इसमें ये जो लाइंस बन रही हैं इससे पता चलता है आइसक्रीम कितनी अच्छी बनी है। इसको बनाना बहुत ही सिंपल है, इजी है, इसको जरूर ट्राई करें। बहुत ही टेस्टी लगती है, कोई नहीं बोलेगा कि ये आइसक्रीम घर पे बनी है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन को जरूर दबाएं। इससे आपको मेरे न्यू वीडियोज का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा।